फ्रेंड्स, आज के दैनिक भास्कर में डीवी स्टार भोपाल एडिशन में आरक्षक भर्ती परीक्षा की डेट के बारे में आया है। वो यह है कि 6 मार्च की बजाय 6 अप्रैल से होगी आरक्षक भर्ती परीक्षा। तो आपको पता है कि ये डेट्स पहले भी कई बार आई हैं और फिर चेंज हो गई, बार बार कैंसिल होता है, फिर नई डेट आती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये फाइनल डेट है। तो देखें क्या है खबर। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 4,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 25 दिन तक चलेगी। तो मतलब ये 25 दिनों का प्रोग्राम है। आवेदकों की संख्या को देखते हुए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा की तारीख में भी परिवर्तन किया है। अब यह परीक्षा 6 मार्च की जगह 6 अप्रैल से शुरू होगी। भोपाल, ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 12,16,000 आवेदक इसमें शामिल होंगे। एक दिन में लगभग 50,000 आवेदकों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। आरक्षक भर्ती में देश भर के आवेदक शामिल होने से आवेदन की संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच गई है। परीक्षा में मध्य प्रदेश के आवेदकों को लाभ देने के लिए आवेदक से मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन मांगा गया था, लेकिन रोजगार पंजीयन में केवल आवेदक का नाम और आधार नंबर ही लगता है। इस कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के आवेदकों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है। तो मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी कि मध्य प्रदेश का रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। तो वो स्टेटमेंट का क्या हुआ, इसका कुछ अता पता नहीं है। हर बड़े शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। के सिंह, अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, उनका कहना है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हर बड़े शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ज़्यादा आवेदक होने के कारण यह परीक्षा 25 दिन तक चलेगी। प्रदेश के सभी केंद्रों में यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो जो भी फ्रेंड्स आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। अधिक से अधिक समय दें पढ़ाई को और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, और देखते हैं परीक्षा अपने तय शेड्यूल पर होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली जो खबर है वो थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि चुनाव की संभावित तारीख पर सवाल। अप्रैल मई में जिस वक्त 9वीं से 12वीं तक के 3 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे, तब रहेगा 1,000 से ज़्यादा प्रचार वाहनों का शोर। तो ये है, जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल मई में चुनाव प्रस्तावित हैं, निगम चुनाव, पंचायत चुनाव, ये चुनाव होंगे, और वही टाइम होता है एग्ज़ाम्स का। तो क्या उस दौरान ये चुनाव करवाना आवश्यक है? क्या इनको पहले नहीं करवाया जा सकता था? और आपने देखा ही होगा कि चुनाव प्रचार के समय कितना शोर शराबा होता है। तो उससे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, रिजल्ट बिगड़ेगा, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या नेताओं की, सरकार की, किसकी होगी, या चुनाव आयोग की? तो चुनाव आयोग को जो भी इस इलेक्शंस की डेट्स हैं, वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डेट्स फिक्स करनी चाहिए। देखते हैं क्या है खबर के अंदर। शिक्षक परीक्षाओं में व्यस्त रहेंगे, ऐसे में चुनाव ड्यूटी के लिए कम पड़ेंगे कर्मचारी। तो एक प्रश्न ये भी है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ही ड्यूटी चुनावों में लगती है। आप सब जानते ही होंगे कि चाहे कोई भी ड्यूटी हो, पल्स पोलियो अभियान हो, फलाना ढिमका, जो भी हो, शिक्षकों को ही पदस्थ किया जाता है, उनसे हर काम करवाया जाता है। इलेक्शन होंगे तो टीचर्स भी उसी में जाएंगे। तो
पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा, कैसे इलेक्शंस होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम कैसे वो करवा पाएंगे, हर तरह की दिक्कतें हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च के पहले हफ्ते में निगम चुनाव घोषित करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अप्रैल मई में ये चुनाव हो जाएंगे। इसी समय स्कूल और कॉलेज की परीक्षा भी चलेगी। यदि हर उम्मीदवार ने कम से कम दो दो वाहन भी प्रचार में लगाए तो शहर में 1000 गाड़ियां शोर करती हुए घूमेंगी। पार्षद प्रत्याशियों के वाहन तो एक दिन में पूरे वार्ड के 4-5 चक्कर लगा लेते हैं, यानी सुबह से शाम तक शोर मचा रखा है। 10वीं-12वीं की MP बोर्ड व CBSE की परीक्षा में लगभग 1.5 लाख छात्र बैठेंगे। 9वीं व 11वीं में भी इतने ही छात्र हुए तो कुल छात्रों की संख्या 3 लाख होती है। यह भी जरूरी, 473 कुल उम्मीदवारों ने पिछली बार महापौर और पार्षद का चुनाव लड़ा था। तो ये सब डिटेल दी हुई है किस पार्षद ने कब चुनाव लड़ा था, ये सब क्या राजनीतिक चीज़ें हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि या तो इलेक्शन का शेड्यूल या एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आपस में टकराना नहीं चाहिए, दोनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक अलग अलग रखना चाहिए ताकि कोई भी काम अटके नहीं और किसी को भी नुकसान ना हो। तो ये दो खबरें थी दोस्तों आपके लिए। मिलते हैं हम अगली अपडेट के साथ जल्द ही, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe and click the bell.